प्यारे बच्चों आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है इससे पहली कक्षा में हम क्रिया के बारे में जान चुके हैं आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे चलिए अब हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं सुरेश चतुर लड़का है वह गोरा है रमा सुंदर लड़की है राजू अच्छा लिखता है मेरे पास दो लीटर दूध है चलिए इन सब में हम संज्ञा शब्दों को ढूंढते हैं आप सभी को मालूम है कि इन सभी में संज्ञा शब्द क्या है जी हाँ सुरेश रमा और राजू संज्ञा शब्द है इनमें सर्वनाम शब्द क्या है बताइए जी हाँ वह और मेरे ये दो सर्वनाम शब्द है इन वाक्यों में चतुर सुंदर गोरा अच्छा शब्दों को पढ़ने से क्या पता चलता है ये शब्द किसके बारे में बता रहा है जी हाँ यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहा है इन शब्दों को हम क्या कहेंगे हाँ मैं बताता हूँ इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं राम अच्छा लड़का है इसमें राम का गुण बताने वाले शब्द क्या है आपने बिल्कुल सही कहा अच्छा शब्द राम के गुण के बारे में बताता है तो इसमें अच्छा शब्द विशेषण है हैदराबाद सुंदर शहर है इस वाक्य में हैदराबाद की विशेषता के बारे में बताने वाले शब्द क्या है बिल्कुल सही कहा सुंदर सुंदर शब्द विशेषण है इसमें गाय काली है इसमें विशेषण शब्द काली है मोहन लंबा है इसमें विशेषण है लंबा शब्द महेश मोटा है इसमें विशेषण है मोटा शब्द रमेश होशियार लड़का है इसमें विशेषण शब्द है होशियार सीता समझदार लड़की है इसमें विशेषण है समझदार इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि के गुण रंग रूप आकार आदि गुण बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं विशेषण मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं पहला गुणवाचक विशेषण दूसरा संख्यावाचक विशेषण तीसरा परिमाणवाचक विशेषण चौथा सार्वनामिक विशेषण पहला गुणवाचक विशेषण के बारे में हम जानेंगे गुण या दोष रंग समय स्वाद आकार गंध आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं उदाहरण अच्छा बुरा काला पीला मोटा, मीठा कड़वा, खुशबू बदबू आदि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं दूसरा संख्या वाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण में संख्या संबंधी विशेषताएं जैसे दस कई दूसरा तीसरा सब कुछ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं तीसरा परिमाणवाचक विशेषण है इसका अर्थ है किसी वस्तु पदार्थ आदि का परिमाण के बारे में बताने वाले शब्दों को परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं इसके अंतर्गत हल्का थोड़ा बहुत इतनी सी आदि शब्द आते हैं। चौथा सार्वनामिक विशेषण है इसका अर्थ है किसी सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इसके अंतर्गत यह लड़का ये बच्चे आदि शब्द आते हैं